की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। एडीए ने मैंड अनमैंड टीमिंग MUMT कॉन्सेप्ट डेमोंस्ट्रेशन में प्रवेश किया। भारतीय वायुसेना ने LCA तेजस MK-1 लड़ाकू विमानों को अवंतीपुर वायुसेना स्टेशन पर तैनात किया। बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए DRDO की स्वदेशी हेलिना और ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों की तैयारी। रक्षा मंत्रालय के तहत एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA ने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA नेवी सेंसर पेलोड पर मैंड अनमैंड टीमिंग MUMT के लिए अवधारणा प्रदर्शन के सिमुलेशन चरण की शुरुआत की है। MUMT का लक्ष्य युद्ध प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए मैंड अनमैंड एयर प्लेटफार्मों की क्षमताओं को एकीकृत करना है। प्रदर्शन में मैरिटाइम स्ट्राइक मिशन है, जहां अनमैंड प्लेटफॉर्म स्वायत्त रूप से समुद्री लक्ष्यों पर सटीक हमले करते हैं, और बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR एरियल कॉम्बैट, जहां अनमैंड प्लेटफॉर्म LCA नेवी का समर्थन करते हुए सीमा से परे दुश्मनों पर हमला करते हैं। MUMT आधुनिक युद्ध परिदृश्यों में एफिशिएंसी, एजिलिटी और वर्सेटिलिटी को अधिकतम करते हुए हवाई संचालन में क्रांति ला देता है। भारतीय वायुसेना IAF ने अवंतीपुर वायुसेना स्टेशन में स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस Mk-1 फाइटर जेट्स को तैनात करके अपनी क्षमता को सुधारने और जम्मू और कश्मीर के संवेदनशील क्षेत्र में मजबूती प्रदान करने के लिए एक रणनीतिक चरण उठाया है। अवंतीपुर एयरफोर्स स्टेशन जम्मू और कश्मीर के आदर्शवीय इलाके अवंतीपोरा में स्थित है और श्रीनगर के लिए एक सैटेलाइट एयरफील्ड के रूप में कार्य करता है। इस विमानों की तैनाती ने IAF की सशस्त्र क्षमता को मजबूत किया है और इसे आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण एक कदम साबित हुआ है। भारतीय सेना ने साइरन AI सॉल्यूशंस के साथ समझौता किया है, जो IDX इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सलेंस विजेता है AI आधारित सैटेलाइट इमेजिंग के लिए। यह समझौता भारतीय सेना की क्षमताओं को मजबूत करने और युद्ध में पोजीशन को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण है। साइरन AI सॉल्यूशंस IIT दिल्ली का एकीकृत इंक्यूबेटेड स्टेल्थ स्टार्टअप कंपनी, जो तकनीकी विकास, साइबर भौतिकी सुरक्षा और नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। AI आधारित सैटेलाइट इमेजिंग स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में विशेषता सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने में किया जा सकता है। भारतीय नौसेना ने 3 अतिरिक्त स्कॉर्पियन क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों के खरीदी के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इन सबमरीनों के कॉन्ट्रैक्ट को 2024 के अंत तक निर्धारित किया जा रहा है, जिससे पहली सबमरीन की आंतरिक डिलीवरी 2031 तक हो सकती है। स्कॉर्पियन क्लास सबमरीनों का प्रदर्शन पहले से ही अच्छा हो चुका है और भारतीय नौसेना वर्तमान में 6 कलवरी सबमरीनों का उपयोग कर रही है, जो इसी क्लास के हिस्से हैं। नए सबमरीनों को DRDO द्वारा विकसित फ्यूल सेल एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन AIP सिस्टम से इक्विप्ड किया जाएगा, जो इनकी ऑपरेशनल एंड्योरेंस और स्टेल्थ कैपेबिलिटीज को बढ़ाएगा। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने स्वदेशी हेलिना और ध्रुवस्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों के विकासीय और संयुक्त उपयोगकर्ता परीक्षणों को पूरा किया है। इन मिसाइल तकनीकों को अब मास प्रोडक्शन के लिए एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी को सौंपने के लिए तैयार है। हेलिना और ध्रुवस्त्र ATGMS भारतीय सेना के लिए एडवांस्ड लाइट AAL के आर्मी और वायु सेना वेरियंट के प्राइमरी है। इन ATGMS के सफल परीक्षण ने इन्हें विश्व स्तरीय अभियांत्रिकी में सर्वश्रेष्ठ मिसाइलों में से एक के रूप में स्थान प्रदान किया है। यह साहसिक कदम भारत के रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने और कटिंग एज रक्षा तकनीकों को विकसित करने में सफलता को प्रमाणित करता है। भारतीय नौसेना थाइसन ग्रुप मरीन सिस्टम्स डॉक शिप बिल्डर्स के बीच सहयोग के माध्यम से इन शंकुश सबमरीन्स का ओवरहॉल और मॉडर्नाइजेशन करने के लिए तैयार है। INS शंकुश HDW क्लास 209 टाइप 1500 बोट्स का हिस्सा अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक योजनाबद्ध परिचालन विस्तार से गुजरेगा। यह विकास भारतीय नौसेना के लिए सबमरीन्स के स्थानीय निर्माण के लिए पहले हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का अनुसरण करता है। 3 साल की परियोजना में थाइसन ग्रुप मरीन सिस्टम्स पैकेज की आपूर्ति और तकनीकी सहायता प्रदान करेगा, जबकि मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स सामान्य ठेकेदार के रूप में काम करेगा। यह सहयोग भारतीय पनडुब्बी बेड़े की परिचालन तत्परता को बनाए रखने और उन्नत करने में एक और माइलस्टोन है।